सिवनी जिले के डुंडा सिवनी पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की है। इन शातिर आरोपियों ने एक मास्टर चाबी बना रखी थी और शादी के लॉन और भीड़ भाड़ वाली जगह से यह लोग मोटरसाइकिल चुराया करते थे। डुंडा सिवनी TI देवकरण डोरिया ने बताया कि पुलिस को जब मुखबिर से सूचना मिली कि सूफी नगर तालाब के पास कुछ व्यक्ति मोटरसाइकिल बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तब पुलिस ने घेराबंदी कर शाहिद अली को मोटरसाइकिल सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और जब शाहिद अली से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इमरान खान और मोहसिन के साथ मिलकर सिवनी, केवलारी और बालाघाट जिले से वाया सिवनी से बाइक चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 बाइक जब्त कर मामला दर्ज कर इन्हें न्यायालय में पेश किया है। इन्हें जेल भेज दिया गया है। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। थाना डुंडा सिवनी में एक मोटरसाइकिल चोरी जमनम लान के सामने से हुई थी, उसकी रिपोर्ट हमारे पास कायम थी। उसी के संबंध में उस मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में हम सूत्र लगाए हुए थे। हमारे मुखिया ने बताया कि ये शाहिद अली जो है मोटर मैकेनिक का काम करता है, इसके पास वो उसी हुलिये की मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा है। उसके बारे में पता कि उससे वो तालाब के पास खड़ा था, उसके घेराबंदी करके उससे पूछे तो उसने जो है मोटरसाइकिल हमें बरामद करा दी। उसी आधार पर उनसे पूछताछ करने पर उसने अपने एक दोस्त इमरान का नाम बताया जो सिवनी का ही रहने वाला है, उसके साथ कुल इन्होंने 6 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। इसमें से एक मोटरसाइकिल इन्होंने बूढ़ी खुर्द बरघाट क्षेत्र में उसमें बेच दिया था, तो मोहम्मद मोहसिन उससे भी वो मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। टोटल इन 3 आरोपी हैं, तीनों से मिलकर 6 मोटरसाइकिल अलग अलग थानों की हैं, कोतवाली, बालाघाट के बरघाट में, कोलारी और डुंडा सिवनी के मामले जब्त की गई। क्या कार्रवाई की और आरोपियों के खिलाफ चोरी आरोपियों के खिलाफ चोरी के मामले पंजीबद्ध थे, जिन्हें उनके 389 में 411 के तहत 34 के तहत गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय भेज दिया गया सभी को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।